हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। ये देखिए, ये जेसीबी 3DX का जो एक्सल है उसका जो सील आता है वो लीकेज हो गया है। तो ये रियर एक्सल का जो सील है वो आज हम बदलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये सील कैसे बदलना है ये आज हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये ड्रम को 16 के दो बोल्ट लगे हुए रहते हैं, वो बोल्ट निकाल लेना है और उसके बाद ड्रम हमारा निकाल लेना है। बाकी इसका ड्रम का और प्लेनेटरी गेयर कैसे फिट करना है इसका पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सील कैसे चेंज करना है यही बताएंगे। तो ये देखिए, ये 8 बोल्ट हमारे खोल लेना है और ये खोलने के बाद जो ये हमारी एनुअल रिंग है इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको ठोक के भी निकाल सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा अगर टाइट हो तो उसको कैसे निकालना है ये हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा जल्दी निकल गया, छीनी से थोड़ा इसको फटका दिया तो ये निकल गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। और अभी ये CW हब है, इसको भी देखिए इस तरह से हथौड़ी से धीरे धीरे ठोक के निकाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो तो इसको, अगर आपके पास बड़ा पुलर है तो पुलर से भी निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका हम आगे वीडियो में बताएंगे, इस पर और दूसरा वीडियो बनाएंगे कि इसको और आसानी से कैसे निकालना है। ये देखिए, अगर थोड़ा इस ऐसा ठोक के निकलता है तो ठोक के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो तो पुलर का यूज करके हम पुलर से निकाल सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद ये छन्नी से बेरिंग भी, छन्नी से ठोक के बेरिंग निकाल लेना है। ये देखिए, हमारी बेरिंग भी अंदर की निकल चुकी है। अभी हम निकाल लेंगे ये सील। देखिए, ये वाली सील है, यही हमें बदलने का है। तो ये देखिए, ये हमने नया सील अभी डाल लिया है इसमें। इस तरह से दबा के बिठा देना है इसको, दबा के ये बैठ जाती है। इसके पीछे का पतरा भी नहीं था पहले, ये हमने नया लगा लिया है। ये पतरा भी नया लगा लेना है और ये सील डाल के फिर अभी ये बेरिंग हम ठोक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बेरिंग को सामने सामने से ठोकते जाना है। ये देखिए इस तरह से, और बेरिंग को पूरा पीछे चिपका देना है। ये देखिए, बेरिंग हमारी पूरी चिपका देना है पीछे अच्छे से। उसके बाद इस पर थोड़ा एनाबोंड लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, जो हमारी ऑयल सील है उसके ऊपर थोड़ा एनाबोंड लगा सकते हैं। उसके बाद ये ड्रम को भी थोड़ा एनाबोंड लगा के इसको फिर ये देखिए ऐसा पकड़ के रखना है और ये बाहर वाली बेरिंग लगा के इस तरह से ठोक लेना है। ये देखिए, इस तरह से बेरिंग को ठोकते जाना है। ये बेरिंग पूरा बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। उसके बाद में हमारी ये एनुअल रिंग बिठा लेना है। इसको थोड़ा हल्का सा ठोक के चिपका सकते हैं, क्योंकि उसके जो डावेल है वो टाइट रहते हैं, तो डावेल अच्छे से बैठने के लिए ठोक सकते हैं। उसके बाद ये बोल्ट सभी लगा के टाइट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप सील को आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।